हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं साउथ इंडियन चटनी कोकोनट चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चटनी के बिना साउथ इंडियन डिश तो अधूरा लगता है। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हट के अलग टिप्स के साथ बनाऊंगी। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होता है, तो इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है ये कच्चा नारियल, जिसे हमने ताजा तोड़ के छील के निकाल रखा है। हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चना दाल लिया है, 1 टेबल स्पून उड़द की दाल है यानी कि सफेद दाल, 4 हरी मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा और नमक। तड़के के लिए हम लाल मिर्च, राई, हींग और कड़ी पत्ता यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख लिया है, गैस को ऑन कर लिया। कढ़ाई हल्की सी गर्म हुई है, हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है। उसमें हम डालेंगे चना का दाल, ये सफेद दाल यानी कि उड़द वाली दाल। इसको हल्का सा हम भून लेंगे इसकी कच्चापन दूर करने के लिए। इससे बहुत ही सोंधा सोंधा स्वाद आता है चटनी में। तो हम चलाते हुए इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं अपनी दोनों दाल जो है वो रोस्ट हो चुकी है। अभी इस स्टेज पे हम डालेंगे ये हरी मिर्च और अदरक, साथ में हम डालेंगे नारियल का टुकड़ा। तो हम चाकू से इसे पीसेस करके डालेंगे, क्योंकि मिक्सर जार में हमें छोटे छोटे पीसेस चाहिए होता है, बड़ा डालने पे अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता है। तो हम ऐसे छोटे छोटे पीसेस में नारियल को काट लेंगे। हमने सभी नारियल के टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसे हल्का सा ऐसे भून लेंगे, इसे ज्यादा नहीं भूनना है। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा रोस्ट किया हुआ चटनी आप बना के देखिए। जब आप तड़के डालेंगे तो एक बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो हम इसे आधा मिनट तक भून लेंगे। हमने नारियल को भी हल्का सा भून लिया है। हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। नारियल ठंडा हो चुका है, इसे हम एक चटनी जार में ले लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे। थोड़ा डालेंगे पहली बार में, नहीं तो उड़ने लगता है। चलिए हम इसे पीस लेते हैं। आप देख सकते हैं अपनी चटनी दरदरी हो गई है। यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच और पानी ऐड करेंगे। अब इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे। हमने चटनी को पीस लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया स्मूथ चटनी तैयार हुई है। ये नारियल में हम दाल जो डाले थे उससे इसकी थिकनेस बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। गैस पे हमने एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें हम डालेंगे ये मस्टर्ड सीड। तेल को हम अच्छे से चटकने देंगे। आप देख सकते हैं अपनी मस्टर्ड सीड चटकने लगी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे ये लाल मिर्च। थोड़ा थोड़ा हम हिलाते रहेंगे, इससे क्या होता है ऊपर नीचे मिर्च अपनी हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, यानी कि 2 चुटकी होनी चाहिए हींग। थोड़ा सा हम चला ले रहे हैं कि सब अच्छे से तड़क जाएगा। लास्ट में हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो जैसे कि हम हर तड़के में बताते हैं, जब भी आपको कड़ी पत्ता डालना हो तो आप गैस से हटा के तेल में डालिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा छींटा पड़ता है, हमारा कैमरा भी खराब होता है और हाथ भी जलने का चांसेस रहता है। तो हम गैस से ऐसे हटा लेंगे और धीरे से अपनी कड़ी पत्ता डाल देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा भी नहीं उड़ाते, फिर हम गैस पे रख के अपना जरूरत के अनुसार इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे अपनी मिर्च, राई सब तड़क चुकी है। चलिए हम तड़का लगाते हैं। तो चलिए हम चटनी पे तड़का डाल देते हैं। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार होता है। तो चलिए हम तड़का को चटनी में मिक्स कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी नारियल की चटनी बनके तैयार हुई है। इसे बनाना बहुत आसान है। तो ये अपनी चटनी रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया चटनी बनाना कितना आसान है। इसे खाने में आप बड़ा पाव हो या इडली हो, डोसा हो या उत्तपम हो या उपमा हो, सब में यूज कर सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन सबके साथ सेट हो जाता है। तो इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।